स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार हूँ आपकी वही अंजलि। पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे चुनता है वो अपना हो ना हो, दिल पर राज हमेशा उसी का रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीब सी दुनिया है, अजीब सी ठिकाने हैं, यहां लोग मिलते तो कम है झांकते ज्यादा है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए, परखने का नहीं। आप भी एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को समझेंगे तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। आपको भी अब अवसर मिला है कुछ कर दिखाने का। जी तोड़ मेहनत करके बुलंदियों को छू लो, और अगर ये अवसर आपके हाथ से निकल गया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अरे कल किसने देखा है, आज भी खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? नहीं मांगता ऐ खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हे की लेकिन कमाल की दे। तो चलिए हम जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए शुभ रंग रहेगा आज का गुलाबी यानी कि पिंक, और लकी नंबर रहने वाला है आज आपके लिए 8। आज का दिन बिना किसी बात से विचलित हुए अपने करियर की राह पर आगे बढ़ने का है। आप अपने हितैषियों और दुश्मनों में आसानी से फर्क कर पाएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन आपका दुश्मन है। अपने मन की आवाज़ सुनिए और अपनी प्लानिंग्स के अनुसार ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सोच पर आज आपको काबू रखना होगा, कई तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। विचारों की उथल पुथल से आपको बस नींद की कमी रहेगी और टेंशन रहेगी, इसलिए विचारों को काबू रखना होगा। परिस्थितियों का समय के साथ आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। जितना उसके लिए परेशान होंगे उतना ही आप अपने लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही में आज जो है महत्वाकांक्षी लोगों के लिए अनुकूलता रह सकती है। आज बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा जिद कर सकते हैं। दिन जो है आज का दूसरों की मदद करने का रहेगा। सहयोग करिए आप दूसरों की चीज़ों में, जिससे कि आपको भी आत्मिक खुशी मिलेगी और उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद या शुभकामनाएं आपको वरदान की तरह प्रतीत होगा। आज आपकी राशि के लोग जो हैं बातचीत में निपुण होते हैं, लेकिन आज किसी से बातचीत करते समय सावधान भी रहना होगा, क्योंकि आप अपनी कोई इम्पॉर्टेंट स्कीम किसी के सामने आप कहीं सार्वजनिक ना कर दें, यानी कि खुलासा ना कर दें अपनी सीक्रेट्स को, तो आपके ऊपर कोई चोरियाँ झूठा इल्ज़ाम भी आज के दिन लग सकता है, ऐसे सितारे कहते हैं। पर याद रखिएगा कि आज के दिन अपनी प्लानिंग्स अगर आप गुप्त रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे तो ही आपको काफ़ी हद तक फायदा मिल पाएगा। अपने साथियों को लेकर आज संभल कर चलने का दिन हो सकता है। उन्हें आपके आसपास रहना पसंद है, लेकिन आज थोड़ा आपको भी सावधानी बरतनी होगी। अपने ज़रूरी काम खत्म करने के बाद ही दोस्तों के साथ समय गुजारेगा, वरना आपका बहुत सारा जो काम है पेंडिंग रह सकता है। और हाँ, आप जो है काम अटक भी सकता है, कहीं पर आप फंस भी सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जा को साफ करने के लिए बिना चाबी की ताले को फेंक दीजिएगा, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा ताला है जिसकी चाबी नहीं है तो उसको आप बाहर फेंक दीजिए। साथ ही साथ में अगर आपके आसपास कोई टूटी हुई चीज़ है या रुकी हुई घड़ी है तो उनको भी बाहर फेंकना आपके लिए बेटर रहेगा। आज आपकी विनम्रता की वजह से रिश्तेदारियों, संबंधियों और समाज में मान सम्मान बना रहेगा। आज भी आप किसी भी मुश्किल कार्य को सोच समझकर और शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने के समर्थ रहेंगे। आध्यात्मिक और धर्म कार्य के क्षेत्र में आपका काफ़ी ज़्यादा झुकाव रह सकता है। किसी के घर में फंक्शन हो सकता है धार्मिक वगैरह, तो आप उसमें अपने आप को जो है बहुत अच्छा फील करवा सकते हैं, आपको मन की शांति मिलेगी। किसी नज़दीकी व्यक्ति से अचानक किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है जिसकी वजह से आपकी मान हानि हो सकती है, बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए किसी के साथ बहस मत कीजिएगा।
आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो वो कहता है कि व्यवसायिक कार्य में बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है आपको, और आपकी थोड़ी सी असावधानी या गलती का बहुत ही ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोग आपकी विनम्रता का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। आपको सहयोगियों से भरपूर भरोसा और साथ मिलने के योग हैं। आपका कार्यस्थल पर जो दिन है बहुत ही बेहतरीन और शांतिपूर्वक तरीके से गुजर सकता है। कमीशन से रिलेटेड कार्यों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, नहीं तो नुकसान की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। जमीन जायदाद से रिलेटेड बिजनेस में कोई बड़ी डील होने की संभावना बन रही है, इसलिए उस पर जो है आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। आज करियर के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्किलों भरा भी कई लोगों के लिए हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके लिए थोड़ा आज दिक्कत वाला समय हो सकता है। साथ ही साथ में आज लकड़ी के व्यापारियों को और जो लोग सरकारी काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये बात की हमने करियर और बिजनेस की, और अब बात करने वाले हैं आज के हम लव लाइफ के बारे में। तो आज विवाह से रिलेटेड संबंधों में किसी प्रकार का खुलासा होने से दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ऐसे संबंधों से दूर रहकर अपनी गृहस्थी पर ज्यादा फोकस कीजिए, किसी और के साथ नाजायज संबंध ना बनाइए। वहीं आज जो है जीवन साथी या प्रेमी का साथ किसी बात को लेकर तनाव भी हो सकता है, इसका कोई भी रीजन हो सकता है, बस आपको जो है अपने आप को जो है पॉजिटिविटी तरीके से पेश आना होगा। आज आपका साथी चाहता है कि आप उन्हें जो है अधिक समय दें, अधिक प्यार दें, इसके लिए प्रयास जरूर कीजिएगा। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपके और उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रह सकता है। वहीं आज घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुरता से गुजरेगा, बच्चों के साथ आप काफी समय स्पेंड कर सकते हैं, उनकी बातों को जो है आप अनदेखा मत कीजिएगा, कुछ उनकी बात सुनिए और कुछ अपनी कहिए, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये बात की हमने अभी लव लाइफ की, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि बदलते मौसम के नेगेटिव प्रभाव का आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ सकता है, इसीलिए जो है लापरवाही मत कीजिएगा, संयमित दिनचर्या रखिए। गर्म पानी का सेवन करना आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना सकता है। मांसपेशियों में जुड़ी समस्याओं से लाभ मिल सकता है, दर्द से राहत मिल सकती है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। परहेज रखेंगे और अच्छी डाइट रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही में मौसमी बुखार की समस्या तो पैदा हो सकती है, अपने बचाव के लिए खान पान में उचित परहेज और आराम भी फरमाना होगा। आराम फरमाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रह सकता है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको सबसे पहले तो है वास्तु दोष के लिए, तो आपको घर में से कोई भी अटूटा सामान, रुका हुआ घड़ी वगैरह बाहर निकाल देनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर आज आप केले का दान करते हैं तो आपके लिए सुखद हो सकता है। आज भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, पीला रुमाल अपने पास रखिए, बरकत आपके हाथ में रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।